भारत की अपनी तकनीक यूएवी रुस्तम 2, जिसे हम तापस के नाम से जानते हैं, वहां नए अपडेट जोड़े गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है कि यह नया संस्करण भारत में वर्तमान में सेवा में लगे 2 ड्रोन की तुलना में काफी बेहतर है। ड्रोन का यह नया संस्करण उपग्रह के माध्यम से संचार छोड़कर क्यू बैंड एंटीना के माध्यम से सीधे स्थानांतरित करने में सक्षम है। परिणाम स्वरूप भारत का रुस्तम 2 ड्रोन अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के लगभग बराबर है। तापस BH-201 ने KU बैंड एंटेना के माध्यम से उच्च ऊंचाई पर संचार करने की अपनी क्षमता साबित की है। अब अगला लक्ष्य आकाश में ड्रोन को 24 घंटे तक रखना है ताकि यह सफलतापूर्वक उड़ान भर सके। हालांकि ट्रूडो ने यह नहीं बताया कि ड्रोन कब हथियार के साथ आसमान में उड़ने में सक्षम होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि रुस्तम 2 का अगला संस्करण, जिसे रुस्तम 3 के रूप में देखा जाता है, हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। भारत में हर कोई देख रहा है कि चीन 2009 से अपने दम पर ड्रोन का उत्पादन कर रहा है और उन्होंने एक मजबूत ड्रोन बल का निर्माण किया है। भारत बहुत पीछे है और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, भारत की रक्षा में बहुत प्रगति हुई है। इन रुस्तम ड्रोन के अलावा भारत और इजराइल संयुक्त रूप से भारत में एक ड्रोन का निर्माण करेंगे, जिसे इजरायली बगुला TP कहा जाता है। निर्णय लिया, भारत अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन भी खरीदेगा। परिणाम स्वरूप भविष्य में भारतीय सेना और मजबूत होगी।